News 18, India. दिल्ली के अंदर किसान घुस ना सके, जिसके चलते दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। रोड्स को जो है वो पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। जो कंक्रीट के जो ब्लॉक्स है उनको रखा गया, साथ ही इस तरीके के ट्रक्स को सड़कों पर लगाकर इसको रोक दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्रक जो ड्राइवर हैं, जो ड्राइवर जितने भी हैं, आप मैं दिखाना चाहूँगा कि सामने आप जितने भी लोग आप उधर देख सकते हैं, वो सारे के सारे ट्रक ड्राइवर हैं, जो कि ये जो ब्लॉक्स के ऊपर बैठे हैं ये भी सब ड्राइवर हैं। और वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको यहाँ से रिलीफ होने का मौका मिले, क्योंकि 11 तारीख से इनको यहाँ पे बंद करके रखा गया है। इनकी गाड़ियाँ इस तरीके से रोड पे ब्लॉक कराई गई है, और ये सारे के सारे ड्राइवर हैं जो कि अलग अलग जगह से यहाँ आए थे माल सप्लाई करने के लिए। सप्लाई करने के बाद जो है वो यहाँ पे अब भी फंसे हुए हैं। आपका नाम? प्रवेश कुमार नाम है। प्रवेश जी, आप कब से यहाँ पे फंसे और क्या कहा गया था, आपकी गाड़ी कहाँ है? 11 तारीख को मैं रात के 11 बजे आया, तो मुझसे ये बोला था सुबह 5 बजे आपको निकाल देंगे, 2 घंटे को बोल गए। उस समय से अभी तक हम यहाँ फंसे पड़े हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है, और किसी भी प्रकार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। देहरादून से आए थे हम, तो मुंडका में यहाँ खाली करेंगे 4 किलोमीटर के लिए, 5 दिन हो गया आज यहाँ खड़े खड़े। आप ये सिर्फ देहरादून नहीं, दूर दूर से भी जो है ट्रक लेके आए हैं। आप कहाँ से आए हो? सर, मैं मुंद्रा पोर्ट से आया हूँ। तो कब यहाँ पे पहुँचे थे और कब से यहाँ पे फंसे हुए हो? मैं रात को 11 तारीख को यहाँ आया, 11 तारीख से रोक के रखे हैं हमको, 2 घंटे के लिए बताए थे, आज 5 दिन हो गया यहाँ पर। तो क्या खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? वही व्यवस्था, खाने पीने, लैट्रिन, बाथरूम, पीने तक पानी नहीं मिल रहा है, खाने की तो बात ही अलग है। समस्या है, जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब ना हो, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से बंदोबस्त किए गए, लेकिन ये लोग जो कि जिनकी गाड़ियों को इस तरीके से पार्क किया गया है ताकि किसान इधर ना आ सके। जी, 2 घंटे को रोक। आप कहाँ से आए? हमारी दोनों कंपनी की है। तो अभी उधर से कंपनी वाले क्या कह रहे हैं आपको? कंपनी वाले ये नहीं मान रहे, ये बोल रहे कि वीडियो बना के भेजो। फिर हमने सोनू के लिए वीडियो बना के भेजा, वो तब माना, अब भाई आप बॉर्डर पर बंद कर रखा है। आप कहाँ से आए? देहरादून से जी। आप भी 11 तारीख से? 11 तारीख से ही फंसे हुए। तो अभी कुछ बताया नहीं जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है? लोकेशन नहीं मिल रही है, कुछ भी लोकेशन नहीं मिल रही इस चीज़ की कि कब तक छोड़ा जाएगा। अच्छा, कब तक खोला जाएगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप बताइए, आपका नाम? हमारा नाम नसीम है। आप कहाँ से आए हैं? हम मध्य प्रदेश भोपाल से। भोपाल से कब चले थे और कब पहुँचे और कब पहुँचेंगे वापस उधर? हमें 11 तारीख को माल लोड हुआ था, और फिर यहीं रात में 11 बजे से रोक के रखा, 2 घंटे के बोल के बोला था, फिर 2 घंटे से अभी तक का, आज 14-15 तारीख हो चुका है। उसके बाद में कोई उम्मीद ही नहीं है यहाँ पे खुलने का, रहने का, खाने का, सबसे बड़ा परेशानी नहाने का है। 5 दिन हो गया, नहाए धोए नहीं है। तो उसके बाद मुझे टाइम पे मध्य प्रदेश में भोपाल में कई लोगों का सामान वहाँ पे देना है, टाइम पे नहीं पहुँचेगा तो वो माल हमें वापस कर देंगे। तो अभी तक कोई जानकारी आप लोगों को नहीं दी गई है कि कब होगा, क्या कुछ पुलिस वाले या प्रशासन कुछ बोल रहे हैं आपको? कुछ भी जानकारी नहीं दिया है, ना कोई पूछते हैं तो बताते नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे आप कहाँ से आए हैं? और हम नहीं जाते सर, नहीं पता सर। अच्छा, तो ये समस्या है और बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे आप लाइन से देख सकते हैं कि जितने भी ट्रक्स यहाँ लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ सामान जो है ये लेकर आए थे, यहाँ पे ड्रॉप किया, और उसके बाद महज 2 घंटे के लिए इनको कहा गया कि आप अपने गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क कर दीजिए ताकि इस रोड को बंद किया जा सके। लेकिन उसके बाद से कोई ऑर्डर अभी तक पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं दिए गए हैं, और अब इन लोगों को जो कि ट्रक जो कि सड़कों पर ताबड़तोड़ दौड़ते रहे हैं, दौड़ते थे अब तक, लेकिन 11 तारीख के बाद से ये ट्रक इस वक्त यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं, यहाँ पे खड़े हैं, इनके पहिए चलने फ़िलहाल उनको रोक दिया गया है ताकि यहाँ पे सिचुएशन ख़राब ना हो। किसान अगर आते हैं तो उनको किसी तरीके से रोका जा सके। तो रोड्स पे कंक्रीट के ब्लॉक्स के साथ साथ इस तरीके के ट्रक्स को, जो कि बड़े ट्रक्स हैं, इनको सीधा रोड के सीधे सीधे खड़े करके रोक दिया गया है। हालांकि ये भी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर कोई अप्रिय घटना होती है या इन ट्रक्स को कोई नुकसान होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए भी अभी तक किसी भी तरीके की कोई बातचीत या कोई जानकारी उनको नहीं दी गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग जो है वो ड्राइवर हैं, जो कि यहाँ पे तब से फंसे हुए हैं, अलग अलग जगह से ये लोग आए हैं, और समस्या यही है कि इनको अभी यही नहीं समझ आ रहा है कि अब किया तो किया जाए, क्योंकि महज 2 घंटे के लिए कहा गया था कि यहाँ पे आपको रुकना है, लेकिन उसके बाद अब भी लगातार इसी तरीके की स्थितियाँ बनी हुई है। कुछ और
ड्राइवर हैं उनसे भी समस्या पूछ लेते हैं। आपका नाम? नमस्कार, मुबारक है मेरा नाम। हाँ मुबारक साहब, कहाँ से आप आए हैं, कब आए थे, सामान लेके आए थे, क्या सामान था आपकी गाड़ी में? मैं इधर पलाई पत्ता लेके आया था जी, गुवाहाटी से। हाँ। मैंने यहाँ खाली किया मुंडका में गाड़ी, मुंडका खाली करके नहीं मैं निकल रहा था अपने हरियाणा के लिए। यहाँ मुझे 11 बजे रुकवा लिया था, 11 तारीख को। यहाँ रोक के नहीं बोला था कि सुबह 5 बजे हम छोड़ देंगे। यहाँ गाड़ी रुका हुआ, मैं सिंगल मोटर मालिक हूँ सर, और मेरी अपनी गाड़ी है। एक मंथ की किस्त मेरी 95,000 रुपये की है। अगर मेरी किस्त एक भी टूट गई तो मेरी गाड़ी फाइनेंस वाले खींच लेंगे। अगर मैं अपना कहाँ से पालन पोषण करता हूँ, मैं अपने बच्चे का यही मेरा गुजारा है जिसे मैं चला रहा हूँ। अगर मेरी किस्त टूट गई तो फाइनेंस वाले ने रोक लिया, मेरा घर बर्बाद है जी। कितना नुकसान कितना हो रहा है आपको वैसे नॉर्मली, अगर अगर लोड लेके जा रहे हैं? अगर मेरा अब यहाँ से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से भरूंगा तो मैं किस्त डालूंगा अपनी। अगर मैं यहाँ गाड़ी खड़ा हो गया तो मैं किस्त कहाँ से डालूंगा? अगर मैं गाड़ी चलेगी तो मेरी किस्त भी डलेगी सर। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रिक्वेस्ट है मेरी तो हाथ जोड़ के मिनती है सरकार से और पुलिस प्रशासन से, मेरी गाड़ी छोड़ जाए। सिंगल मोटर मालिक को एक मेरे पास गाड़ी है 14 चक्का, यह है मेरी गाड़ी, यहाँ से निकालने का प्रवेश करें जी। शुक्रिया। तो देखिए हर किसी को समस्या है, हर कोई अपनी समस्याओं से दो चार हो रहा है, तो दिल्ली पुलिस का ये कोशिश है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, किसान अंदर आते हैं या आने की कोशिश करते हैं, तो इससे आगे ना जाए, रोड ब्लॉक कर दिया गया है ताकि अगर ट्रैक्टर लेकर आगे आ रहे हैं तो उनको रोका जा सके। लेकिन समस्या ये है कि कोई मुंड्रा पोर्ट से आया है, कोई गुवाहाटी से आया है, कोई देहरादून से आया है, और ऐसे तमाम ड्राइवर जो कि यहाँ पर सामान लेकर आए थे या लेकर जा रहे थे वो इस वक्त फंसे हुए हैं। और इनका ये कहना है, जितने भी ड्राइवर से कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो कि खुद अपनी गाड़ी चलाते हैं, उनका भी ये कहना है कि अभी तक उनको किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं दी जा रही कि कब तक उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा। कह सकते हैं कि इस किसान आंदोलन के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त ज़रूर हुआ है, और इसके कई सारे ऐसे उदाहरण भी है। लेकिन इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ट्रक ड्राइवर्स हैं जो कि लंबे लंबे टूर करते हैं, लेकिन अब पिछले 11 तारीख से लेकर अब तक इसी बॉर्डर पर फंसे हुए हैं।